गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 7th. एज वी ऑल आर नो दैट वी आर वॉचिंग अवर वीडियो ऑफ सब्जेक्ट्स मैथ एंड लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10 दैट इज बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट. जिसमें इसके पूर्व वीडियो में मैंने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था बेटा, और वो है टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना. तो इसी के आधार पर हमें प्रैक्टिस सेट 40 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. वो प्रैक्टिस सेट 40 अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, न्यू पेज पे हमने यहाँ पे सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है हमारे चैप्टर नंबर 10 का नाम, वो है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट. और जिसमें जो कि अभी प्रैक्टिस सेट 40 में आपको जो फार्मूला देखना है, देखने जाने वाले हैं, वो टोटल इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. और इसको हम लोग ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल का पी शॉर्टकट है, आर रेट का फॉर आर और टाइम का टी, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. एंड अमाउंट जो कि आपको कैलकुलेट करनी है उसका फार्मूला बेटा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये दो फार्मूले का यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 40 लिख लेते हैं, और इसमें मैं यहाँ पे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे लिखता हूँ. सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 40 लिखा हुआ है, जिसका पहला प्रॉब्लम है, इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9% फॉर 2 ईयर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट. मतलब देखो बेटा, रिहाना ने क्या किया कि 1500 रुपये जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल स्टैंड फॉर पी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1500 रुपये इन द स्कूल फंड. उन्होंने 1500 रुपये स्कूल फंड में डिपॉजिट किए, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा था बेटा, 9% है, मतलब आर क्या आएगा, 9, और फॉर 2 ईयर्स यानी कि टाइम यानी क्या आएगा, 2. तो 2 साल के लिए 9 रेट की दर से अगर 1500 रुपये रियाना ने डिपॉजिट किए, तो उसे 2 साल बाद कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू कितने रुपए बेटा, 1500 रुपए, तो 1500 रुपीज. नेक्स्ट है रेट कितना है बेटा, रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना है, 9% ठीक है. और टाइम स्टैंड फॉर टी कितना है बेटा यहाँ पे, 2 ईयर्स. तो ये सभी वैल्यू हम लोग अभी जो हमने टोटल इंटरेस्ट वाला फार्मूला अभी देखा था उसमें हम लोग लिख लेते हैं. देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. तो यहाँ पे अब हमें पी की वैल्यू पुट करनी है. P की वैल्यू क्या आएगी, 1500, R क्या है, 9, और T क्या है, 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100. तो देखिए बेटा यहाँ पे दो जीरो गेट कैंसिल, 15 × 9 × 2 क्या होता है, 9 × 18. और अगर इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 270. बट 270 सिर्फ यहाँ पे निकाला हुआ बैज है उसके ऊपर, जो कि 1500 के साथ उसको 2 साल बाद मिलेगा, ठीक है ना. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना. तो यहाँ पे हमको टोटल अमाउंट, देयरफॉर टोटल अमाउंट रिहाना गॉट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसका फार्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है. अब ये दोनों हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं. प्रिंसिपल कितना था बेटा, 1500 रुपये, और इंटरेस्ट पकड़ के 270, यानी इसको कितने पैसे मिलेंगे, 1770 रुपीस रिहाना को 2 साल बाद मिलेंगे, ठीक है. तो इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम आपने जैसे अभी देखा हुआ है वैसे ही आपको अपनी कॉपी में उतारना है. बहुत आसान प्रॉब्लम है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो और आसानी से इसे लिख भी सकते हो, ठीक है. अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ. सो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10% फॉर 5 ईयर्स. मतलब जेठालाल ने एक हाउसिंग लोन किसी बैंक से उठाया, जिसके लिए उसने 2,50,000 रुपये लिए बैंक से,
10% बैच के ऊपर, मतलब रेट 10 है, प्रिंसिपल 2,50,000 है, और आर यानी कि 5 ईयर्स, यानी सॉरी टी यानी कि 5 ईयर्स होगा, आर यानी कि 10 होगा। तो व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक। मतलब देखिए बेटा, अब इसने जैसे अभी पहले वाले प्रॉब्लम हमने हमने देखा था कि जो रिहाना थी उसने पैसे डिपॉजिट किए थे, उसके ऊपर बैंक उसको 9% ब्याज उसके ऊपर दे रही थी, है ना, 2 साल के लिए। बट ये जो दूसरा प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या किया है कि बैंक ने जो पैसे दिए हैं लोन, उसके ऊपर ब्याज 10% ब्याज उसके ऊपर लेने वाली है, और 5 साल तक 10% ब्याज लेगी। तो वो कितनी होगी वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। हियर प्रिंसिपल यानी कि पी बराबर कितना है, 2,50,000 रुपीज। देन रेट, रेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना बेटा, 10 PCPA, ठीक है। और टाइम, टाइम कितना है यहाँ पर, 5 ईयर्स के। तो देयर फोर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फार्मूला हमेशा आप याद रखिए, क्योंकि हमेशा ये फार्मूला आपको फ्यूचर में भी काम आने वाला है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो 2,50,000 पी की जगह पे मैंने लिख लिया, आर की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू है बेटा 5, अपॉन हम लोग करेंगे 100। तो ये दो जीरो गेट कैंसिल। अब यहाँ पे आपका आंसर आएगा 250 × 10 × 5, यानी कि 250 × 50, 10 × 5 क्या होता है, 50। तो अगर इसको हमने हल किया तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है वो आंसर कितना होगा, वो आंसर होगा, एक मिनट ना, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे बेटा, ये देखिए 2,500 यहाँ पे संख्या है, तो वही संख्या हमको कैरी फॉरवर्ड करनी है × 10 × 5 यानी कि × 50। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 25,525, और ऊपर के फिर 3 जीरो यानी कि आपका आंसर आएगा 1,25,000। इसको अलग से 2,50,000 के अलावा बैंक को वापस करने हैं, ठीक है। इसके साथ 2,50,000 ऐसे 5 साल में बैंक को वापस करने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ टोटल अमाउंट रिटर्न टू द बैंक, द अमाउंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, 1,25,000, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 1,25,000, एक मिनट ये देखिए प्रिंसिपल है बेटा 2,50,000 है, हाँ ओके, 2,50,000 प्लस 1,25,000। तो इसको अगर हमने प्लस किया तो आपका आंसर आएगा 3,75,000 रुपीज। ये हो गया टोटल अमाउंट जो कि बैंक को जेठालाल को वापस करना है, ठीक है ना। बट आपको क्वेश्चन में और एक चीज भी पूछी गई है, ध्यान से पढ़िए। वहां पे लिखा है वॉट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे, मतलब ही ये जो जेठालाल है हर साल कितना इंटरेस्ट बैंक को पे करता है, वो तो हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नाउ टोटल इंटरेस्ट पेड बाय जेठालाल इन 5 ईयर्स इज इक्वल टू, 5 साल में उतने कितना इंटरेस्ट पे करना है बेटा, 1,25,000 5 साल में पे करना है। तो ये आपको पता ही है ना। बट एक साल में उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो अगर 5 साल में 1,25,000, तो एक साल में यानी कि 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5। तो अब देयर फोर हम लोग यहाँ पे लिख सकते बेटा कि इंटरेस्ट पेड बाय जेठालाल इन 1 ईयर इज इक्वल टू 1,25,000 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू
आपका आंसर आएगा बेटा 25,000 रुपए। मतलब जेठालाल बैंक को हर साल कितने रुपए पे करेगा, 25,000 रुपए पे करेगा, ठीक है, और एक साथ फिर आखिरी में 2,50,000 इसके साथ देगा, तो उसको टोटल अमाउंट बैंक को रिटर्न करनी पड़ेगी 3,75,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमने ये प्रैक्टिस सेट 40 का फर्स्ट एंड सेकंड ये दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। थर्ड और फोर्थ मैं आपको इसके बाद अगले वीडियो में जरूर सॉल्व के बाद करके बताऊंगा, बट ये फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। इसमें पंकज ने 1,50,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट किए हैं बैंक में 10% बैच के ऊपर 2 साल के लिए। तो उसने कितनी टोटल अमाउंट पे करनी है बैंक को, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के पहले हमें सिंपल मतलब टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम लोग आसानी से इसका टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बैंक वो उसको टोटल अमाउंट वापस करेगी, ठीक है ना। 1,50,000 के ऊपर 10% जितना भी बैच बनता है वो उसको मिला के टोटल अमाउंट बैंक पंकज को वापस करेगी 2 साल बाद। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने पहला प्रॉब्लम देखा हुआ था, वैसे आपको ये फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करना बेटा। अगले वीडियो में बाकी के प्रॉब्लम हम लोग जरूर देखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।